हिमाचल प्रदेश में हुई बस किराया बढ़ोतरी पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जयराम सरकार पर निशाना साधा है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा बेतहाशा किराया वृद्धि प्रदेश की जनता पर एक बोझ है, जनता के गुस्से का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सरकार लोगों को राहत देने के बजाय बस किराए को बढ़ाकर और ज्यादा बोझ डाल रही है। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है, बल्कि पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई है। किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होता है, लेकिन प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम साबित हो रही है। मैं समझता हूँ ये उन्होंने जल्दबाजी में किया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का की कीमत बढ़ी है, क्यों बढ़ी है ये भारत में मुझे पता नहीं, उसके कारण क्या है, और संसार में तो और जगह कहीं की बढ़ी नहीं, और अंधाधुंध जो है यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल है, डीजल है, उसकी कीमतें बढ़ी है, मगर उसको उस पर कैसे काबू पाया जाए। हो सकता है कि इकोनॉमी को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में थोड़ा इजाफा हो जिसको आम आदमी सह सके। ये तो अंधाधुंध जो है वो जो उसकी कीमतें बढ़ाई गई है, ये मैं समझता हूँ ये सही कदम नहीं है, और उसे जनता को भी कष्ट होगा और सरकार को जो राज्य सरकार को भी इसका जो है लोगों का जो गुस्सा है वो सहना पड़ेगा।